हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2739 स्कूलों में इसी सत्र में स्मार्ट क्लास। बिहार के 2739 सरकारी मिडिल स्कूलों में इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 में स्मार्ट क्लास आरंभ हो गए। पहले हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास हुआ करता था, अब मिडिल स्कूल में इसी सत्र से स्मार्ट क्लास आरंभ हो रहा है। इसको लेकर प्रति स्कूल 2,40,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में मौजूदा सत्र में ही बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान को लेकर बच्चों के बीच नई गतिविधियां भी आरंभ होगी। यह नया एक्टिविटी 330 करोड़ रुपये की खर्च से जमीन पर उतरेगा। मंगलवार को भारत सरकार के शिक्षा सचिव अनीता करवाल की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी PAB की हुई ऑनलाइन बैठक में बिहार के लिए योजनाएं स्वीकृत की गई। इस वर्चुअल बैठक में बिहार से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी रविशंकर सिंह शामिल हुए। PAB की इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार की ओर से प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य की शिक्षा की जरूरतों को रखा गया, साथ ही किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी साझा की गई। बिहार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 13,142 करोड़ की बजट की मांग केंद्र के समक्ष रखी। बैठक के बाद BEP और SPD संजय सिंह ने बताया कि 2021-22 में बिहार को समग्र शिक्षा मद में केंद्र से 6652 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। गौर हो कि पिछले शैक्षिक सत्र में बिहार को मिले 6692 करोड़ या 260 करोड़ रुपए अधिक है। इस राशि में 50 से 80 करोड़ रुपए का और इजाफा होना संभव है। इसके साथ ही PAV में बिहार को पिछले साल की योजनाओं के 1313 करोड़ स्पील ओवर रुपये को भी मंजूरी दी गई। 58,000 बच्चों के दाखिले के लिए बिहार की हुई तारीफ। PAV की बैठक में केंद्रीय शिक्षा सचिव ने कोरोना संकट के दौरान बिहार द्वारा बच्चों के दाखिले के लिए चलाए गए अभियानों की प्रशंसा की। बिहार में जुलाई 2020 से अभियान चलाकर 15.5 लाख जबकि मार्च 2021 में 36.77 लाख बच्चों का दाखिला कराया गया है। खास तौर से दूसरे राज्यों से आए अभिभावकों के 58,000 अनामांकित बच्चों को राज्य के स्कूलों में नामांकन कराने की तारीफ केंद्रीय शिक्षा सचिव ने की। बैठक में यह भी बताया गया कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI में बिहार की रैंकिंग पहले से बेहतर हुई है। तो सबसे अच्छी बात है कि अब मिडिल स्कूल के बच्चे भी स्मार्ट क्लास मिडिल स्कूल में भी होगा और बच्चे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।